ओम शांति। आज की तारीख है 26/11/2022। आज की बाबा की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। इस कलियुग को बाबा मृत्यु लोक कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस इस कलियुग में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न है आज की मुरली से, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरे की भी भरेंगे, ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा उच्च बनाएंगे। वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। माया माना ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, माना उनको हिला नहीं सकते। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो, साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। इस अंतिम जन्म की कहानी बाबा को सुनाकर, शिव बाबा को सुनाकर राय लो, साथ साथ बाबा को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। माना ये बाबा का ज्ञान औरों को भी सुनाते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है आज की मुरली से, भोले नाथ से निराला। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, शिव बाबा के समान मनुष्य आत्माओं को जीए दान देना है। बेहद के पिता से, बेहद के उस परमात्मा से दान ले लेकर दूसरों को दान देना है। माना बाबा के इस ज्ञान को स्वयं में धारण करके दूसरों को सुनाना है, महादानी जरूर बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन, स्वदर्शन स्वयं का दर्शन कर, मैं आत्मा हूँ और मेरा इस सृष्टि चक्र पर कैसे कैसे मैंने जन्म लिए, तो बाबा कहें इस स्वदर्शन चक्र को फिराते रहना है। तो इससे क्या होगा, रावण का सिर काटना है, माना 5 विकारों से कटना है, 5 विकारों से दूर रहना है, 5 विकारों को से स्वयं को मुक्त करना है। बेहद का बैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान है आज की मुरली से, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष बा ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली बा तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है, जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला, तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थार्थ ताजा फल खाने वाले वह शक्तिशाली वह तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलवेले होकर, माना जब अलवेले माना आलस में होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, फॉलो एक ब्रह्मा बाबा को करो, बाकी सबके गुण ग्रहण करो। अब फॉलो किसको करना है, जिसके शरीर में, जिसके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया और इस गीता के सच्चे सच्चे ज्ञान को हमको सुनाया, तो बाबा कहें उस ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे, आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, स्वयं को शक्तियों से भरपूर करेंगे। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। अपना फरिश्ता रूप धारण कर मैं आत्मा उड़ चली ऊपर की ओर, इस संसार को सकाश देते हुए, सुख और शांति की किरणों से भरते हुए मैं फरिश्ता ऊपर की ओर पहुँच जाती हूँ। सूक्ष्म बदन में
बाप दादा के समक्ष, बाबा के मस्तक में चमकते हुए शिव बाबा, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथ में दिए। बाबा के हाथों से शक्तिशाली किरणें मेरे हाथों में समाती जा रही हैं। अलौकिक शक्तियों का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मानो बाबा आज अपनी सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरपूर करते जा रहे हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ।